बारिश एवं ओलों का कहर, किसानों की फसल हुई प्रभावित। शहडोल संभाग के कमिश्नर ने ली जिम्मेदारों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उमरिया जिले के पाली में बीते दिनों से हो रही रुक रुक कर भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की दलहन तिलहन गेहूं व आम एवं सब्जियों पर इसका बड़ा असर देखने को मिला है। ओला गिरने से फसलें प्रभावित हुई हैं, वहीं सब्जी के किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, जिससे किसानों के मन को आघात लगा है। तो वहीं किसानों का कहना है कि हम कर्ज लेकर फसल लगाए, लेकिन ओला और बारिश ने हमारे फसलों को बर्बाद कर दिया। हम आपको बता दें कि पाली में बीते दिनों से भारी बारिश होने के कारण किसान व आमजन परेशान हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज संभागीय कमिश्नर आरबी प्रजापति पाली जनपद पहुंचकर समीक्षा बैठक बुलाकर ओला से नष्ट हुए फसलों को लेकर दिशा निर्देश दिए, जिसमें राजस्व विभाग व जनपद कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक में हिदायत देते हुए किसानों की बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण करें, जिससे किसानों का फसल नुकसान का भरपाई हो सके और किसानों को मुआवजे की रकम मिल सके। क्या समस्या जा रही है? ये जो बारिश हो रही है, ओला गिर रहा है सर, उसमें सब भारी नुकसान हो रही है। और 1,00,000 रुपया लेके कर्जा खेती बाड़ी में लगाते हैं, पर नुकसान होता है। क्या क्या चीज़ आपकी बर्बाद हुआ, क्या क्या फसल बर्बाद हुई? भाटा, टमाटर, बैंगन, लाल भाजी, गाजर, मटर, धनिया पत्ती, पत्ता गोभी, सब फसलों में। तो आप कर्ज लेकर ये सब आप जो है खेती किए थे? कर्ज किए थे ना 1,00,000 रुपया तक। कोई आए, कोई अधिकारी यहाँ पर आए? नहीं, कोई नहीं आया है अधिकारी। कोई जांच करने नहीं आया? नहीं, नहीं आया। जो है कुछ है, प्राकृतिक आपदा हुई है, ओला गिरे हुए हैं और तीव्र गति की जो भारी बारिश होती है वो हुई है, उससे जो है फसलें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, प्रभावित हुई हैं। उसी सिलसिले में नरोजाबाद तहसील और पाली तहसील के गांव भी प्रभावित हुए हैं। उसी सिलसिले में मैंने आज यहाँ पर मैं आया था और यहाँ पर ये जो राजस्व अधिकारी होते हैं, राजस्व हमारे मैदानी अमले के जो कर्मचारी हैं, उन सबकी मैंने बैठक लिया और तैयारी के संबंध में कि उन्होंने कितना काम किया हुआ है उसकी समीक्षा की हुई है। तो इन दोनों तहसीलों में जो भी फरवरी और मार्च के महीने में अभी जो फसलें प्रभावित हुई हैं, उसके संबंध में मैंने ये निर्देश दिए हैं कि इन 3 दिन के भीतर जो है इसका एक दल के साथ में, जिसमें पटवारी भी रहे और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी रहे, ग्राम सचिव भी रहे और जो जनप्रतिनिधिगण हैं ग्राम के, सरपंच साहिबान हैं या उप सरपंच साहिबान हैं या ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनके साथ एक पंचनामा के साथ में सही ढंग से उसका सर्वे करके, ताकि जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है उसका, उसे जो है उस क्षति का उसको लाभ मिले, ये मैंने निर्देश दिए।